सीपीयू माउंट रिमोट किस किस ने करा? हाथ खड़े करके बताओ, सबने करा? कोई बाकी तो नहीं है? साढ़े ग्यारह क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? सर सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया, सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया है। तो थोड़ा बता दो हमको भी, टेस्ट करवा दो कि क्या रिजल्ट है इसके। चालू है सर? चालू है भाई। भाई क्या लेवल है? एक नंबर सर। लेवल क्या है? बहुत बढ़िया लेवल है सर, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊंचा है, चार्जिंग लेवल भी ऊंचा है। हाँ, बटन का पत्ता नहीं है इसमें। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन खान है। यासीन जी कहाँ से हैं? हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। मैं उज्जैन एमपी से। अभी जो आपके हाथ में फोन है उसमें आप क्या करने वाले हैं? सर ये नोट 5 प्रो मोबाइल है और ये अभी चालू कंडीशन में है। इसका सीपीयू रिवॉल्व करके दिखाइए जरा फोन को। ये सर यहाँ पर देख पा रहे होंगे वीडियो में कि इनका फोन बिल्कुल ओके है, चालू है और इसमें ये अभी इसमें सीपीयू निकाल के लगाने वाले हैं अभी। जी सर। तो एक बात बताइए, किसी भी तरीके से कोई किसी भी तरीके का कोई भी डर लग रहा है कि आपको सीपीयू निकालने में? नहीं सर, नहीं लग रहा। कौन से स्टेंसिल में आप इसको रिवॉल्व करने वाले हैं? सर इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल में। यूनिवर्सल में रिवॉल्व करने वाले हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो पीछे वीडियो चल रहा है, किनका वीडियो चल रहा है? ये देव सर है ना। आज इनके साथ में आपकी क्लास थी? हाँ थी ना। क्या क्लास थी आपकी? लाइट सेक्शन की क्लास थी। लाइट सेक्शन की थी। और कल कौन सी क्लास थी? कल ग्राफिक्स सेक्शन। ग्राफिक्स और लाइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल क्लियर। अब आप बिना फोन चालू किए आप ये पता कर पाएंगे कि डिस्प्ले के कौन से कनेक्टर पे एनोड की लाइन आती है? यस सर पता चल। बता पाएंगे? और ग्राफिक्स का आप लाइन बता पाएंगे कि कौन सा ग्राफिक्स का लाइन है, कौन सा मीपी का लाइन है? बिल्कुल कौन सर, सा बिल्कुल सारे बता पाएंगे, सब बता। तो जो देव सर के साथ में आपका ग्राफिक्स और लाइट का क्लास हुआ कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा और बहुत डीप नॉलेज मिला सर। इसके पहले पता ही नहीं चलता था कि ये यहाँ पर ग्राफिक्स ऐसी लगी हुई, यहाँ पर डिस्प्ले भी है। अब जैसा कि सर बोलते हैं कि देखने का नजरिया बदल देंगे, कनेक्टर का देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? बदल गया सर, पीसीबी को देखने का नजरिया बदल गया। पहले कुछ और नजरिए से देखते थे, अब कुछ और नजरिए से। अब कुछ और नजरिया हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप सीपीयू निकालने वाले हैं। तो एक बार हम एचडीएमआई पे क्लियर कर देते हैं, एचडीएमआई सेट कर देते हैं पीछे की तरफ। और यहाँ पे हमने एचडीएमआई कर दिया है और ठीक है, आप सीपीयू निकालिए। ओके सर। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना है? सर बिल्कुल हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है। Get up.
अभी समय का क्या हो रहा है थोड़ा, सबसे पहले एक मिनट आपका परिचय दीजिए, कौन है आप, नाम बताइए अपना। मोहम्मद यासीन खान। मोहम्मद यासीन खान जी सर।
28 सितंबर की बैच के एक स्टूडेंट, और ये टाइम क्या हो रहा है अभी? 11:30 क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? सर सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया। सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया है। तो थोड़ा बता दो हमको भी, टेस्ट करवा दो कि क्या रिजल्ट है इसके। चालू है सर। चालू है? हाँ। भाई भाई क्या लेवल है? एक नंबर सर। कि लेवल क्या है? बहुत बढ़िया लेवल है सर। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊंचा है। चार्जिंग लेवल भी ऊंचा है। बटन का पत्ता नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये चालू होगा मोबाइल। तो ये सारा क्या खाली एक दिन चलता है कि हमेशा चलता है? और क्या क्या लेवल रहता है ऐसे टेलीकॉम का पढ़ाने का? आज आपकी लाइट की क्लास, सबसे पहले ग्राफिक्स और लाइट की बात करूँगा। कल ग्राफिक्स थी, आज आपका लाइट है सर। कल ग्राफिक्स की क्लास थी सर। दो ही ग्राफिक्स और लाइट को दो सेक्शन में बांट रखा था सर। दोनों सेक्शन अलग अलग थे, वो बहुत अच्छा लगा सर। अगर वो दो ही एक साथ पढ़ाते तो सब मिक्स हो जाता। कल ग्राफिक्स पूरा समझ में आया, आज लाइट पूरी समझ में आई सर। और फिर हमने शाम के टाइम, मतलब प्रैक्टिकल की जब हमारी क्लास लगी 4 घंटे की, वो सारा फिर हमने प्रैक्टिकल करके देखा सर। फिरोज, ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पे, यासीन कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे कि जिसने आप यहाँ पर 25 स्टूडेंट हो, 25 में से एक भी ऐसा स्टूडेंट जिसने सीपीयू नहीं लगाया हो? सर ये तो चौथे दिन ही लगा लिया। कितनी बार लगाया सीपीयू? सर कोई गिनती नहीं है सर। कोई गिनती नहीं? कोई गिनती नहीं। तो हैंड स्किल में कैसा नॉलेज, और आईसी की पैड लाइन का कैसा नॉलेज आपको? एक नंबर सर। तो यहाँ पर देखो, पूरा मार्केट से ऐसी हवा आती है कि दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं सर, वहाँ पर उनको बेचारों को ना तो प्रैक्टिकल मिलता है, ना सीपीयू निकालने लगाने का स्किल होता है। खाली हाथ लौट आते हैं, 60,000 रुपये फीस पहुँचाते हैं, डालते हैं 10,000 रुपये अलग से खाने रहने खाने का, 15,000 का खर्चा अलग से लगता है। यहाँ पे सर भले थ्योरेटिकल देख लो, प्रैक्टिकल देख लो सर, यहाँ पे सब बच्चे, एक एक बच्चा DSO लगा के सब चेक करता है सर। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जो भी करना है सब स्टूडेंट को ही करना है सर। वो बाकी जो प्रैक्टिकल की क्लास हो जाती, मतलब जो हमारी थ्योरेटिकल की क्लास होने के बाद जो भी प्रैक्टिकल होता है, सब टोटल स्टूडेंट जो भी वहाँ पे सर पढ़ाते हैं, वो सब यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं सर टोटल सारा। तो कैसा लग रहा है, मतलब एक इंस्टीट्यूट को चुना है आपने अपना, एक महीने दुकान बंद करके आए हैं, दुकान से आए हैं, एक और एक महीने के लिए बंद करके आए हैं, फीस जमा किए, तो आपको कैसा लग रहा है? फीस वसूल है कि नहीं है सर? बिल्कुल पैसा वसूल है सर। ये पैसा वसूल हो गया मेरा, आज मैंने सीपीयू लगा लिया सर। ये कितनी बार लगाया सीपीयू, खाली आज ही लगाया कि कितनी बार? पहले भी लगाया सर 4G सीपीयू, ऐसी बात नहीं है। इस क्लास में कितनी बार लगाया? इस क्लास में तो अभी सर पहली बार। पहली बार लगाया इस क्लास में, मतलब 4 तारीख को नहीं लगाया आपने? 4 तारीख के दिन लगाया था ना सर। 4 तारीख के दिन भी लगाया, आज भी लगाया आपने। तो ये बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और इसके पहले ये सब काम कर पाते थे आप? नहीं सर, इसके पहले ये काम नहीं करते थे। कितना जरूरी था आपका सीपीयू निकालना लगाना कि सर? मतलब 30% रिपेयरिंग कवर कर रखी थी सर इसके बिना तो। अच्छा, और अभी अब तो 100% हो जाएगी। 100% जी सर। और जो सर से देव सर की क्लास में आपको जो थ्योरी का नॉलेज मिलता है सर, वो बहुत डीप लेवल से मिलता है सर। मतलब और कोई नहीं दे सकता उनके अलावा। उनके अलावा कोई नहीं दे सकता सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, चलो भाई यासीन, अब तरीका आ गया, दिल दिमाग दिल के अंदर आ गया। 24 सितंबर की बैच कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। कल क्लास कितनी बजे तक चली थी हमारी? कैलेंडर में तारीख चेंज हो गई थी, 30 तारीख को गए थे, 1 तारीख को गए थे, 1 तारीख को गए थे ना। तो आज हमारी क्या 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 डे था आज हमारा? सीपीयू माउंट रिमोट। कौन सा था? किस किस ने करा? हाथ खड़े करके बताओ। सबने करा? कोई बाकी तो नहीं है? ये पूरे नाम है यहाँ पर? कोई भी बाकी नहीं है? खाली एक बार करा क्या? सर दो बार करा क्या? तीन बार करा क्या? जितनी बार मान सकता था उतनी बार करा। यस सर। कोई तुक्के में लगाया क्या आपने? मेथड कैसी लगी आपको? ईमानदारी से बताओ। यस सर। बच्चा भी लगा सकता है? अच्छा लगा सकता है? यस सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?